नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर फिर से। आज हम देखने वाले कल की जो मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब की विनिंग ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम देखने वाले हैं, जिससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल में डालते हैं ड्रीम इलेवन। इस तरह से हमें ड्रीम इलेवन डालना है, तो हमें ये मेन लिंक पर नहीं क्लिक करनी है दोस्तों, हमें क्लिक करनी है लॉगिन पर। जी हाँ, जिस तरह से हमने लॉगिन पर क्लिक की है तो मेरा अकाउंट यहाँ से ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो चलिए मैं सीधे उस मैच पर लिए चलता हूँ आपको। ये देखिए, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब। तो सबसे पहले हम चलते हैं कीपर में। जी हाँ, कीपर में जो बटलर तो उपलब्ध नहीं है, तो बटलर खेल नहीं रहे, तो हमें इन्हें चूज़ नहीं करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि केएल राहुल ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ। इन्होंने आईपीएल का पहला शतक किया, तो हमें इनको तो नहीं छोड़ सकते। और संजू सैमसन ने भी बहुत ही ज़बरदस्त 74 रनों की पारी खेली थी पिछले मैच में, तो इन्हें भी हमें पिक करना ही होगा। तो अब चलते हैं बल्लेबाजी पर। बल्लेबाजी में हमें चूज़ करना है सबसे पहले तो स्टीव स्मिथ को हमें चूज़ करना है, क्योंकि वो भी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मयंक अग्रवाल भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो इन्हें भी हम नहीं छोड़ सकते। तो अब इस तरह से हमने इनको चूज़ कर लिया। रॉबिन उथप्पा भले ही अब तक फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं, लेकिन ये जब भी फॉर्म में नज़र आएंगे तो ये अकेले ही मैच जिताने का ये रखते हैं, तो इन्हें हम भी पिक कर लेते हैं। और चौथे हमारे पास ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, जैसे मनदीप सिंह हुड्डा, और ये तो नहीं खेल रहे लेकिन सरफराज खान खेल रहे हैं, जयसवाल खेल रहे हैं और करुण नायर खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें से सबसे ज़बरदस्त अच्छे बल्लेबाज है करुण नायर, तो हमें करुण नायर को ही पिक करना है। वैसे तो हम डेविड मिलर को भी पिक करेंगे, लेकिन वो काफ़ी मतलब इतने अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे। तो इसके बाद हम चलते हैं ऑलराउंडर्स पर। जी हाँ, ऑलराउंडर्स में हम मैक्सवेल को नहीं छोड़ सकते। मैक्सवेल अभी ऑस्ट्रेलिया में एक शतक लगा के आए हैं, तो और वो जिस दिन भी क्लिक हो जाएंगे उस दिन उनका ही दिन रहेगा, तो हमें मैक्सवेल को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिमी निशम को तो लिया था पिछले मैच में, लेकिन इतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। और हम कृष्णप्पा गौतम को भी ले सकते हैं, लेकिन इससे हमारे टीम का संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है तेवतिया को। तो हमने यहाँ पे दो ऑलराउंडर यहाँ पे टीम में शामिल कर लिए है। इसके बाद हमें जाना है बॉलिंग पर। जी हाँ, बॉलिंग में तो सबसे ज़बरदस्त है जोफ्रा आर्चर। तो इसके बाद जोफ्रा आर्चर के बाद आता है नाम मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी ने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म इस बार शुरू किया है, तो हमें इन्हें भी पिक करना ही होगा। इसके बाद तो हमारी लगभग टीम बनी गई है, लेकिन हमारे पास 8.5 पॉइंट है और हमें अभी भी एक प्लेयर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉम कुरन है, श्रेयस गोपाल है, कॉल्ट्रल है और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन अभी जो सबसे ज़बरदस्त फॉर्म दिखाया है वो है ये यहाँ पे बिश्नोई, आर बिश्नोई। इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और ये 8 पॉइंट में आ रहे हैं, तो हमारे 8 पॉइंट में ये बिश्नोई बैठ जाएंगे, तो इसे हम इन्हें हम पिक कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारी टीम किस तरह से बनी है। तो सबसे पहले केएल राहुल और संजू सैमसन दोनों कीपर है, इसके बाद करुण नायर और अग्रवाल, इसके बाद उथप्पा और स्टीव स्मिथ, ये तीनों तीन तीन बल्लेबाज हुए हैं दोनों टीमों में। इसके बाद दोनों ऑलराउंडर एक एक, मैक्सवेल और तेवतिया, और बिश्नोई और शमी ज़बरदस्त फॉर्म में, इसलिए इन दोनों को पिक किया है, और जोफ्रा आर्चर को हम नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से हमारी ये टीम बन गई है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमारे पास कप्तान के लिए कुछ ज़्यादा तो ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हमारे पास चार ऑप्शन ज़रूर है। इसमें से स्टीव स्मिथ एक है, मयंक अग्रवाल एक है, केएल राहुल एक है और संजू सैमसन एक है। तो हम आज दोनों कीपर को कप्तान और वाइस कप्तान बनाएंगे, क्योंकि केएल राहुल ने शतक किया था इसलिए हम उनको कप्तान बनाएंगे, और संजू सैमसन 74 रन बनाए थे तो इन्हें हम वाइस कैप्टन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये विनिंग ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम बन गई है, तो हम इसे अब सेव कर लेते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मतलब आपको मेरी ये ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम अगर पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।